भैया मैं परेशान आदमी हूँ, बहुत दुखी हूँ, मैं काम वाला आदमी हूँ, अपने घर जा रहा हूँ। हाँ जी दोस्तों, मैं हूँ विकास और आप देख रहे हो BP95 चैनल को। अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और शेयर कर दिया मेरे दोस्तों, क्योंकि वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। अभी तक फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पर तो फॉलो भी कर लें, इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी नीचे, तो आप लोग सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। और तुम जाओ एक गिलास, बैठ जाओ बैठ जाओ। अच्छा अच्छा, ये फंस गया सी है, बस के लिए खड़ा था। अच्छा वैसे यहाँ से एक गिलास पड़ेगी कितनी दूर? ज़्यादा आधा आधा पौन घंटा लग जाएगा। अच्छा अच्छा, बेल्ट लगा लो आप। कौन सी वाली बेल्ट? हाँ ये वाली बेल्ट लगा लो, आवाज़ कर रही है ना गाड़ी। हाँ हाँ, अरे क्या कर दिया तुमने, लाओ इधर इसको लाओ। मैं वैसे रहने वाला वहां का हूँ, ये गब्बमपुर का, ये मगमपुर है ना, सुना है? अलीगढ़ में रहे मगमपुर, यहाँ पड़ता है यहाँ हाथस से आगे। अच्छा हाथस से आगे गाँव है हमारा, साल वर्ष से पहले। हाँ हाँ, मैं क्या एक उसमें काम करता हूँ फैक्ट्री में, तो उस फैक्ट्री वो नमकीन वाली भाई फैक्ट्री में, नमकीन वाली फैक्ट्री में तो हमारा एक बिजनेस, मतलब बिजनेस के पर्पस से जा रहा हूँ मैं क्लास। और एक काम भी है जो है ना, हमारे जो है ना मैनेजर है हमारा, हाँ। उसकी गाय एक आँख खराब है, पता नहीं कैसे फूट गई थी, मतलब उसने कोई दूध वूध डाल लिया था, किसी ने बताया था उसने दूध डाल लिया था, जो आँख का होती है ना आँख, अकौआ बोलते हैं, अकौआ अकौआ का दूध डाल लिया था उसने, किसी ने बताया था आँख साफ हो जाएगी इससे, बिल्कुल साफ हो जाएगी, और उसे पता नहीं था ये फूट जाएगी तो बेकार हो जाता है, उससे गल जाती है भाई साहब, तुरंत खराब हो गई उसकी आँख। अब मैनेजर बड़ा परेशान, अब देख गांव में लोगों की बात माननी नहीं चाहिए भाई, कोई डॉक्टर थोड़ी है, किसी की बात में आके तुम बता रहे हो किसी की आँख में डाल लिया तुमने अकौआ का दूध, ये चीज नहीं डालनी चाहिए कभी भी, सीधे डॉक्टर के पास जाओ। हाँ उससे लाए लो डॉक्टर, उससे लाए लो, हाँ वही होनी चाहिए भाई साहब। देखो छोटी मोटी चीजें डॉक्टर से ही ला लेनी चाहिए, अपने शरीर की बात है। क्यों, क्या नाम भैया वैसे आपका? ज्ञानेंद्र भैया, सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही है। देखो कोई भी थोड़ी बहुत परेशानी डॉक्टर के पास जाओ, सलाह लो आराम से कि साहब ये डॉक्टर साहब ये बात है, और हमारे पास डॉक्टर चंपक है, ठीक है, उन्होंने देखा उसका वो जो आंखें देखी ना, तो उसने तुरंत बता दिया लेंस खराब हो गया, लेंस नहीं पूरी खराब हो गई, आंख खराब हो गई भाई साहब, लगा लो साहब। अब बताओ बच्ची अभी शादी हुई है, बाकी मतलब 3-4 महीने हुए होंगे, 3-4 महीने पहले शादी हुई है, तो यार तुम भी तो मैनेजर आदमी हो यार, तुम किसी गांव वाले की बात क्यों मान रहे हो? आप बताओ क्यों? ज्ञानेंद्र भैया पढ़े लिखे तो होंगे, पढ़े लिखे हैं भाई, मैनेजर हैं तो पढ़े लिखे ही हैं, ऐसी बात माननी नहीं चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए सीधा। हाँ तो अब हो गया ये काम सारा, खराब होगी इसकी आंखें, मट्टी चले जाती है, रात को ड्रॉप डाल के, देखो ड्रॉप डाली आपने, देखो ड्रॉप डाली ठीक है, उस बंदे को देखो आंख साफ करने के लिए कौआ दूध डाल रहा है, कौन डालता है ऐसे भाई? आप भी तो समझदार आदमी, आपने अपनी आंख में ड्रॉप डाली आंख की, ठीक है ना, डॉक्टर की सलाह से उसने कौआ दूध डाल लिया, ये कौन सा तरीका है? तुम मैनेजर हो यार, एक अच्छे पद पे तुम हो, तो ये चीज करनी चाहिए आपको, नहीं करनी चाहिए। एक ज्ञानेंद्र भाई ऐसा ये लोगों की बुद्धि पता नहीं कभी कभी क्या खराब, ये भाई साहब ये चीज सही कह रहे हो, विकास है इसका, विकास नहीं हो रहा है लोगों की, ये बात तो है, इसका विकास हो जाए उस दिन हमारा देश ही सुधर जाए, सुधर जाए, सुधरेगा नहीं ना देश। अब साले का ऑपरेशन, उसका मैनेजर का ऑपरेशन चल रहा है हॉस्पिटल में, डॉक्टर चंपक हॉस्पिटल जो डॉक्टर है ना, उसी के यहाँ ऑपरेशन चल रहा है बताओ उसका। अच्छा एक मिनट रुक के बात कर लूं, कोई दिक्कत ना हो तो, जल्दी तो नहीं है? नहीं नहीं कोई जल्दी नहीं है, ऐसा ना गाड़ी चलाते टाइम बात नहीं थी ना, हमें क्या हमें तो अलीगढ़ जाना है भैया, अपने घर जा रहे हैं, तो मैं वहाँ उतार दोगे वहाँ से गाड़ी पकड़ लेंगे। हाँ टुंडा, नहीं नहीं ये मगमपुर नहीं हूँ मैं, नहीं नहीं अरे मैनेजर की वजह से दूसरी जगह जा रहा हूँ मैं,
अपने गांव इमगमपुर नहीं हूँ, इमगमपुर तो दूर है यार, मैं तो 3-4 दिन से गया ही नहीं हूँ अपने गांव में। अरे वो मैनेजर की आँख चल रही है ना खराब, उसका ऑपरेशन चल रहा है। हाँ हाँ ऑपरेशन चल रहा है, उसकी आँख खराब है। हाँ हाँ वही। अरे भाई खर्चा वर्चा तो हो ही रहा है उसका। हाँ उसका आँख का इंतजाम कर रहा हूँ मैं। हाँ उसकी आँख डलवानी है ना एक। अरे भाई मैनेजर है, उसकी बात तो माननी पड़ेगी, अगर जॉब बचानी है तो हमें, बात ये भी तो है। हाँ बस बस ठीक है, मैं चल रहा हूँ, निकल रहा हूँ, अभी करूँगा बात। ठीक सबको खबर चाहिए साले, कहाँ है वो, कहाँ चल रहे हो, कहाँ घूम रहे हो, हर किसी को खबर चाहिए। आँख तो डल जाती है दूसरी। हाँ दूसरी डल जाती है, बात ही है ना, आँख डल तो जाती है लेकिन आँख तो होनी चाहिए ना, ऐसे कैसे डल जाएगी भाई साहब, या तो पत्थर ही डलवाओ या कोई दान करे तब डलवाओ। डलवानी पड़ेगी तो यही है, ये महसूस नहीं होगा। हाँ ये महसूस नहीं होगा, पत्थर ही डलवा लेगी आँख तो मालूम नहीं पड़ेगी कि ये ओरिजिनल है कि नकली है। हाँ ये भी चीज है। एक किसी की आँख खराब हो गई थी अलीगढ़ में था, तो वो आँख डलवा रहा था, पत्थर की आँख होती है, सिर्फ आँख ऐसी होती है। अच्छा उसने डलवाई ऐसे, देखो इसने फंसा के आँखों में अंदर तक डाली, सिर्फ आँख ऐसी होती है बिल्कुल। अच्छा उसने डलवाई ऐसे, देखो इसने फंसा के आँखों में अंदर तक डाली। मैं कह रहा जी का चीज डाल दी, मैं अब उसको चेहरा देखूंगे, अब ऐसा लग रहा सैम बिल्कुल दोनों ही आगे बढ़िया लग रहा होगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ डॉक्टर चंपक बात कर रहे हो क्या? डॉक्टर चंपक, अरे मैं, हाँ अरे मैं मैनेजर साहब का असिस्टेंट बोल रहा हूँ, जिनका ऑपरेशन कर रहे हो ना तुम। हाँ 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 तो आपने आंख मांगी थी ना। हाँ आंख का इंतजाम कर लिया मैंने। हाँ पूछता हूँ, ये देखना ये क्या है, ये बताना कितने भैया? ये 5। हाँ 6x6 की आंखें सही है, 5 सही बता रहे हैं, वो गिनती सही है, देख के बता रहे हैं। आंख दोनों आंख से दिख रहा ना? दोनों से दिख रहा सही है, एक आंख का ऑपरेशन कर देना। ठीक है ठीक ठीक हाँ ठीक, ला रहा हूँ मैं। हाँ ला रहा हूँ ऐसा बैठे, ज्ञानेंद्र भैया बैठे मेरे साथ ही। हाँ क्या बोला तूने? मुझे तो उतारा भैया। हाँ दे देंगे, आप आंख देने में क्या है। अरे भैया मुझे उतारा। हाँ दे देंगे, ठीक है ला रहा हूँ भाई। मुझे उतारा भैया, मुझे उतारा ना ना, एक पैसे दिलवा देंगे तुम्हें। अरे ना भैया ना, पैसे दिलवा देंगे ना। अरे ना भैया, ना ना पकड़ ली भैया। अरे भैया अरे मेरा नाम तो पहली बार है भैया। छोड़ 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 दो कोई बात ऐसा है, हम आंख डलवाएंगे। सुनो ना भैया, मैं बहुत परेशान आदमी हूँ, बहुत दुखी हूँ, मैं काम वाला आदमी हूँ, अपने घर जा रहा हूँ। तो आंख एक एक भैया, मैं क्या करूंगा आपका एक आंख जोड़ रहा हूँ भैया, मैंने डलवानी है, मैं ऐसा काम करूंगा भैया, पैसे डलवाएंगे, मेरा नाम सब कुछ है। मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, मोड़ रहे गाड़ी अभी, मैं गाड़ी फाड़ी मत मोड़ो। अरे भाई साहब, मैं हंगामा हो जाएगा और कुछ नहीं। हाँ हंगामा हो जाएगा, ये काम ही चाहिए। नहीं भैया मैं ये काम नहीं करता हूँ भैया, तुम्हें पत्थर डलवा देंगे। अरे भैया मैं ये काम नहीं करता भैया, पैसे डलवा देंगे। मुझे पैसे भी नहीं चाहिए भैया, मेरी माँ है बड़ी बुरी, अपनी माँ के लिए अपनी काम कराऊंगा अपना। चलो मैं बोल लू गाड़ी भैया, गाड़ी भाई मत बोलो भैया, गाड़ी मत बोलो यार, भैया गाड़ी मत बोलो। अरे तुम्हारी ये लोग खोल दो इसका, अरे लोग खोल दो भैया, लोग खोलो भैया, खोल देंगे यार। नहीं है मेरा पूरा सब यहाँ पर है, सब लोग यहाँ पर, एक आंख चाहिए ना भैया, मैं कहाँ से दूंगा आंख। भैया खोलो से, भैया खोलो भैया से, खोलो से गाड़ी। समझ नहीं रहा यार आप, भैया तुम किसी और को देखो यार, ऐसे काम नहीं करता भैया। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं छोड़ दूंगा आपको, उतर जाओ, एक मिनट सुन लो मेरी बात। ये कैमरा लगा, मैं मजाक कर रहा हूँ आपके साथ, जो अनजान गाड़ी में ऐसे बैठ जाते ना उन लोगों को हम अवेयर करते हैं, उतार देंगे, ये बोल दो अनजान गाड़ी में लिफ्ट ना ले, अनजान गाड़ी में लिफ्ट ना ले कोई। तो अब तुम्हें बेस में छोड़ देना, यहाँ मैं नहीं उतरूंगा भैया, बस
भाई साहब मजाक कर रहे नहीं उतार दो बस। अच्छा चलो जी खुल दिया हमने, मजाक कर रहे तो भाई साहब ये वीडियो बना रहे थे हम आपके साथ, आप अनजान आदमी के साथ नहीं बैठे। हाँ ये चीज समझाते हैं हम लोगों को, आगे तक छोड़ देंगे। बाय बाय टाटा गुड बाय गया।